कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमत्स्वर्ग्यं अकीर्ति करमर्जुनम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है और आज के कार्यक्रम में योग्य वर और योग्य वधु को पाने के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी सहायता जन्म कुंडली से ले लेनी चाहिए जिससे एक श्रेष्ठ वर या श्रेष्ठ वधु की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या होता है और जीवन का सबसे बड़ा जो पुण्य होता है वो कन्या का दान होता है। और प्रत्येक पिता जब अपने बेटी के लिए वर ढूंढने निकलता है तो उसके नेत्र भी भर ही जाते होंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। आइए आज के कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसे दो तीन सूत्रों को बताऊंगा जिसको ध्यान में रख करके अगर आप अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए या किसी के लिए भी वर ढूंढने या वर की तलाश करने जा रहे हैं या अगर वधू तलाशने जा रहे हैं तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। इस पर मैंने कार्यक्रम पहले भी बना रखा था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बता दिया था मैंने कि लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। अब उसी चीज़ को अलग से बता रहा हूँ जिसमें मुख्यतया तीन बातें बताऊँगा। कार्यक्रम को अंतिम देखने से आपको दूसरा लाभ ये हो जाएगा कि कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता दूंगा, तो कार्यक्रम को अंतिम तक देखिए। बीच से जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर बीच से जाएंगे तो फिर कई चीज़ें छूट सी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। सप्तम भाव कुंडली का दाम्पत्य का भाव कहा जाता है, यहां से विवाह आदि के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव कुंडली का ये भाव है जहां आठ नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। कुंडली का पहला भाव ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वस्तुतः यह आठ नंबर की राशि बनती है। मतलब कि ये कुंडली का सातवां भाव है जहां आठ नंबर की राशि यानी कि मंगल की राशि का निर्माण हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात अब आपको जो देखना है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि बन रही है उस राशि के अधिपति के उच्च की राशि कौन सी है। जैसे यहां आठ नंबर मैंने लिखा हुआ दिखाया है। अब आठ नंबर के अधिपति कौन होते हैं? मंगल। तो मंगल की उच्च राशि जो होगी वो कौन सी होती है? मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि। इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप जहां भी विवाह करने जा रहे हैं अगर वहां पे वर या वधू अगर मकर राशि के हों या फिर सप्तमेश की जो नीच राशि का निर्माण बनता हो, एक से लेकर के 12 अंक में जो भी अंक लिखा हो उस भाव के अधिपति जहां उच्च के होते हों जिस राशि में या जिस राशि में उनकी नीच की राशि बनती हो, जिस राशि में वो नीच के होते हैं उस राशि से या उस लग्न से जातक या जातिका का विवाह किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे समझा दूँ, अगर वृश्चिक राशि का निर्माण हुआ, वृश्चिक राशि के अधिपति हुए मंगल, तो या तो आपको जो वर ढूंढना है वो मंगल की उच्च राशि का ढूंढना है यानी कि मकर राशि का या मकर लग्न का, या फिर अगर यहाँ पे मंगल की नीच राशि कौन सी बनती है? कर्क राशि। यानी कि जो वर या वर वधु ढूंढना है वो या तो कर्क राशि का हो या मकर राशि का हो। ये दो बातें सामने आती हैं, ये पहली बात थी। दूसरी बात वो ये है कि आपकी कुंडली में जहाँ भी शुक्र की उपस्थिति हो रही हो, जिस भी राशि में शुक्र बैठे हों, अगर उसी राशि की आपकी पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए तो भी विवाह बहुत अच्छा बीतता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या विवाह के टूटने और कमज़ोर होने की होती है। जिस बात का डर इस समस्त भारतीय संप्रदाय को सता रहा है वो दाम्पत्य के टूटने का होता है। ये बात हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं विराजमान होती है। तो यही बात है कि यहाँ मैंने अगर शुक्र को मीन राशि में बिठाया है 12 नंबर की राशि में, और सामने वाले का अगर मीन राशि आता हो या मीन लग्न बनता हो तो भी विवाह किया जा सकता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी के हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुंडली ना मिलाएं, ना 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 ना, कुंडली भी मिलाना है। अगर कुंडली ना हो या फिर अगर कुंडली में थोड़े अंक कम भी मिल रहे हों, बाकी अगर चीज़ें इधर से सामने से कुछ अच्छी दिख रही हों तो विवाह किया जा सकता है। अब तीसरे सूत्र पे लेके आता हूँ। तीसरे सूत्र में ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो भी आपके
पुत्र हैं या पुत्री, उनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जहां भी कुंडली में बैठा हो उसके सातवें भाव में जो अंक लिखा हो ना, उसी अंक के राशि से आप अपनी बेटी या बेटे का विवाह कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हों तो आपको जन्म कुंडली के उसके ठीक सातवें भाव में जो अंक लिखा हो, जैसे 11 लिखा है, यानी कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि से विवाह किया जा सकता है। अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपको ये इस चीज़ में सहायता कर सकता है, इस समस्या का निदान ये यहाँ से मिल जाता है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए और किस लग्न का और किस राशि का चाहिए। इससे आपको जानने में सहूलियत होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ें मिल जाएं, जहां जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति के उच्च राशि का निर्माण या उच्च राशि को जहां देख रहे हों, या सप्तमेश की नीच राशि को देखना है, या फिर शुक्र जहां बैठे हों उस राशि से या उसी लग्न से अगर कोई लड़का या लड़की मिल जाए तो विवाह किया जा सकता है। अगर चंद्रमा जहाँ आपकी कुंडली में बैठे हों वहाँ की ठीक सातवें नंबर की राशि जो है उस लग्न या उस राशि से जातक या जातिका का विवाह किया जा सकता है। इससे आसानी हो जाती है, इसमें कहीं से भी कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये सारी चीज़ें। आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति के आने पर हमें कभी भी भय को प्राप्त नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो हमें अगर जैसे ही हमारे सामने किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति या किसी भी प्रकार का डर उपस्थित होता है, हमें उस समय तुरंत ही अपने डर को खत्म कर लेना चाहिए और यही जीवन का प्रमुख सूत्र भी होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद अपने अंदर की ऊर्जा का प्रवाह तीव्र कर लेना और उसे अच्छे तरीके से संयमित कर लेना ही परम पुरुष की पहचान होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पता है किसी भी व्यक्ति के लिए कन्या का दान करना और अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना सर्वोत्तम सुख होता है और वो सर्वोत्तम सुखों का प्रदाता भी होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।